नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ भारतीय जन जागृति पार्टी के तेलंगाना प्रदेश के अध्यक्ष मोहम्मद अब्दुल जलील जाकिर साहब हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि भारतीय जन जागृति पार्टी तेलंगाना में कौन कौन से ऐसे मुद्दे लेकर जाएगी जिससे वहां की वर्तमान सरकार को हिलाया जा सके और जनता की आकांक्षाओं पे खरा उतरते हुए तेलंगाना में भारतीय जनजागृति पार्टी का परचम लहराया जा सके। तो आइए मिलते हैं जाकिर साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा पहला सवाल आपसे है कि आपने संत युवराज जी के द्वारा गठित भारतीय जनजागृति पार्टी का तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष बनने का न्योता स्वीकार किया, इसके पीछे मुख्य वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु वइय्याका नस्तईन। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, फिर संत युवराज जी भारतीय जन जागृति पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष संत युवराज जी ने मुझ पर जो भरोसा किया, मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा। रहा सवाल आपका, आपने ये बोला कि जो है ना, आप इस पार्टी में क्या देख कर आए। हमको हिंदुस्तान में और तेलंगाना में इस बात की जरूरत थी कि कोई सेकुलर पार्टी हमारे मुल्क में आए, हमारे प्रदेश में आए, क्योंकि 2014 के बाद से जिस तरीके की राजनीति हिंदुस्तान में हो रही है और जिस तरीके के राजनेता आ गए हैं, हम अवाम की गलती इसके अंदर है कि हम किस तरीके के राजनेताओं को चुन के लाए हैं। तो मैं आंध्र प्रदेश की राजनीति में इसलिए आया हूं कि मैं कई जमाने से संत युवराज जी को फॉलो कर रहा था और संत युवराज जी के जो है ना बयानात सुनता था, उनके ख्यालात सुन के मेरे को ये महसूस हुआ कि ये पार्टी ऐसी है जो सबको लेकर चलना चाह रही है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इसमें जो है ना कोई गलत बात नहीं थी। तो और रहा सवाल तेलंगाना का, हमारे जो केसीआर चीफ मिनिस्टर है वहां के, बहुत सारे वादे करके आए थे कि जो है ना आवाम को हम क्या क्या सहूलतें देंगे क्या है, लेकिन मैं उतनी बड़े उस पर नहीं जाऊंगा, आपको चंद बातें बताऊंगा जो हमारे मुद्दे हैं। अब इस वक्त का जो ताजा मुद्दा है हमारे पास, वो हमारे चीफ मिनिस्टर जो सेक्रेटरिएट के मस्जिदों को शहीद कर दिए हैं और जो है ना वो बनाने का वादा किए थे, उसका संगे बुनियाद रखने का वादा किए थे, जो अब तक पूरा नहीं किए, हम उनसे डिमांड करेंगे कि जो है ना वो वादा पूरा करें, आप उसका संगे बुनियाद रखें। और हमारे पास उस्मानिया यूनिवर्सिटी है जिसका लोगो जो है ना केसीआर साहब ने बदल दिया है, वो पहले फारसी और अरबी में हुआ करता था, अब जो है ना तेलुगु और हिंदी में और इंग्लिश में कर दिया है उसको, हम उसके बारे में उनसे बात करेंगे केसीआर साहब से, और महंगाई के बारे में बात करेंगे, अवाम की सहूलत के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे कोरोना का जहां तक सवाल था हिंदुस्तान में और पूरे हिंदुस्तान में था, तेलंगाना में भी था, इस तरह की स्थिति बन गई थी वहां पे, लोग जो है ना पहले तो नोटबंदी से परेशान थे, उसके ऊपर से फिर जो है ना कोरोना का मसला आ गया, अवाम काफी परेशान थी, कुछ लोग थे जो 100-200 रुपये लेके जो है ना अपने मकान से निकल रहे थे कि भाई चलो कुछ घर का सौदा वगैरह लेके आएंगे, तो घर के बाहर गया बंदा और पुलिस वाले पकड़ लिए, मास्क लगा हुआ नहीं है, हेलमेट नहीं है, ये फला तेरे पास लाइसेंस नहीं है, वो है 200 रुपए भी जो है ना 2000 रुपए का उसको चालान कर दिए। जो गरीब बंदा रोजाना जो है ना 200 रुपए नहीं कमा पा रहा है, वो 2000 रुपए लाके चालान कहां से भरेगा? अच्छा, एक सवाल का जवाब दीजिए कि भारतीय जन जागृति पार्टी क्या आपने जो है अध्यक्ष बनना स्वीकार किया, आपने कहा कि कोई सेकुलर पार्टी नहीं थी, तो क्या यह माना जाए कि 2014 से पहले और 14 के बाद भी भारतीय जन जागृति पार्टी के अलावा हिंदुस्तान में सारी पार्टियां नॉन सेकुलर हैं? ये बात नहीं है, सेकुलर पार्टियां हैं ऐसा नहीं है, लेकिन संत युवराज साहब ने जिस तरीके से दलित पार्टियां तो हैं, सभी सेकुलर बन के आती हैं, लेकिन बाद में जो है ना वो अपना नकाब उतारती है तो फिर दिखाती है कि हम क्या है। इसी तरीके से मुल्क आजाद हुआ जब से कांग्रेस में भी बहुत सारी चीजें हुई, बीजेपी में भी हुई, जनता पार्टी भी थी यहां पर और दूसरे भी जो है ना पार्टियां थी,
तो ऐसी बात नहीं है कि जो है ना यही पार्टी सेकुलर है, लेकिन हमको संत युवराज साहब के जो है ना मुद्दे बहुत अच्छे लगे। अगर संत युवराज जी जो है भविष्य में उनका नकाब उतर गया और वो भी जो है सेकुलर नहीं नजर आए, उस हालात में आप क्या करेंगे? हम संत युवराज साहब के पॉलिसियों से जो है ना हम मुत्तफिक है, ये तमाम चीजें सोच के हम ये पार्टी के अंदर आए हैं। हम जहां तक ख्याल करते हैं कि संत युवराज साहब जो है ना अपने मुद्दे को तब्दील नहीं करेंगे, उस सबको आपस में जोड़ने की कोशिश करेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो है ना सबको लेके चलेंगे। जहां तक जो है ना अभी अभी आप देखा है कि किसी मंदिर में जो है ना एक मुसलमान गया था पानी पीने के लिए, तो उस लड़के को जो है ना बहुत मारा गया, तो हो सकता है कि जो है ना कल कोई मस्जिद में जाए तो मारा जाएगा। ये चीज नहीं होना चाहिए। संत युवराज साहब की पॉलिसी ये है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक ही घाट पे पानी पिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में है भाई भाई, जी ये तो संत युवराज जी कहते हैं, लेकिन ये बात तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जब आजाद होने के बाद बना 3 साल के बाद 1950 में, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन को जब हमारी सरकारें नहीं मानती हैं और इम्प्लीमेंट नहीं करती हैं, तो एक राजनीतिक पार्टी के मुखिया द्वारा कही गई बात को कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है या किया जाएगा? नहीं, ये बात गलत है कि जो है ना राजनीति पार्टियां जो है ना इम्प्लीमेंट को नहीं मानती, संविधान को नहीं मानती। संविधान को सभी पार्टियों को मानना पड़ेगा, उसके ऊपर हलफ लेती है सभी पार्टियां और सभी मानती हैं। लेकिन हर पार्टी में कुछ लोग होते हैं पार्टी को बदनाम करने वाले, कुछ लोग होते हैं शरपसंद कट्टरवादी, जिसमें हिंदू भी है मुसलमान भी है सिख भी है ईसाई भी है सब है कट्टरवादी, जिससे पार्टियों का नाम बदनाम होता है। तो उसको जो है ना पार्टी को उसके ऊपर एक्शन लेके उसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए, ताकि जो है ना दुनिया में ये गलत मैसेज ना जाए कि फलानी पार्टी जो है ना बहुत गलत काम कर रही है, खून खराबा कर रही है या मारधाड़ कर रही है। ये मैसेज नहीं जाना ही चाहिए। ये हर पार्टी में है, संविधान को हर पार्टी को मानना पड़ेगा, उसी के ऊपर चलना पड़ेगा। हिंदुस्तान संविधान से ही चलता है और संविधान से ही चल रहा है। अगर हिंदुस्तान में संविधान नहीं होता तो आज अलग स्थिति होती। असदुद्दीन ओवैसी संविधान की बहुत बातें करते हैं, लेकिन उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी का वो बयान बहुत चर्चा में है, जिसमें उन्होंने कहा था कि 10 मिनट के लिए पुलिस हटा दीजिए, उसको लेके वो जेल भी गए थे। तो ऐसी चीजें करने वाले लोगों के बारे में आपका क्या ख्याल है? ये बात नहीं है कि अकबरुद्दीन अवैसी ने यह बयान दिया है, इससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने बयान दिया था इस तरीके का। वरुण गांधी ने भी बयान दिया था कि जो है ना हम हाथ काट देंगे, और बहुत सारे लीडरों ने बयान दिया था कि पाकिस्तान को भगा देंगे, गोली मारो सालों को। तो इस तरीके के बयान देना जो है ना एक उनका राजनीति खेल है, वो तो खेलेंगे इस तरीके से। हम उसको ज्यादा उसमें नहीं लेना चाहिए, उसके ऊपर ज्यादा एक्शन ले लेना चाहिए, ज्यादा सोचना नहीं, नहीं तो चाहिए उसके आप ऊपर। एक राजनीतिज्ञ हैं तो फिर संविधान की अस्मिता क्या रह गई कि सिर्फ कागज पे लिखा हुआ है, उसको जो है धरातल पे उतारने की जो जरूरत नहीं है राजनेताओं को? नहीं, इसका इसका जवाब तो जो है ना कोर्ट बेहतर तरीके से दे सकती है कि जो है ना किसको क्या इसके बारे में क्या सजा होना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो इस तरीके के बयान तो बहुत सारे लोग देते हैं, और इसका निर्णय तो जो है ना कोर्ट बेहतर ले सकती है। हम इसके बारे में क्या बोल सकते हैं, बोले आप। आए दिन ये इस तरीके की बातें तो होती रहती है, हर क्या कोई इस बोलता तरह है। की बातें करना राजनेताओं के ऊपर शोभा देता है या करना चाहिए, या किसी एक ने कही तो दूसरे को इजाजत मिल जाती है वैसा कहने और करने की? ये बात ऐसी है, किसी राजनेता को इस तरीके की बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर मुस्लिम राजनेता इस तरीके की बात करता है तो मुस्लिम छवि खराब होती है, हिंदू राजनेता करता है तो हिंदू छवि खराब होती है, इसमें संविधान का उल्लंघन होता है। तो इस तरीके की बात किसी को भी नहीं करना चाहिए। हमको जोड़ने की बात करना चाहिए, तोड़ने की बात किसी भी पार्टी को नहीं करना चाहिए। शुक्रिया।